हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट वीडियो। तो आज का टॉपिक है जो कि हमें कोनिकल रूफ़ की डिज़ाइन के लिए तो कितने ग्रेडर्स लगते हैं और कितने आपके राफ्टर्स लगते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो आज आपको इसके बारे में मैं डिटेल बताना जा रहा हूँ। तो देखिए, जो रूफ़ की प्लेट होती है, कोई भी मोलासिस टैंक मान लो, तो मोलासिस टैंक की डिज़ाइन में एक रूफ़ की डिज़ाइन की जाती है। तो उस रूफ़ के ऊपर जो चारों तरफ प्लेट लगती है, उसकी थिकनेस लगभग हम मान के चलते हैं, जो थिकनेस ऑफ रूफ प्लेट अंडर नॉर्मल कंडीशन क्लाइमेट, नॉर्मल क्लाइमेट का मतलब कोई भी स्नो नहीं पड़ती वहाँ पे, तो हम 5 mm के आसपास लेते हैं। और जब हमारी स्नोफॉल होती है तो हम इसको 6 mm कर देते हैं, ठीक है। तो रूफ़ डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, राफ्टर होता है, ग्रीडर्स होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम राफ्टर लेंथ, जो राफ्टर लेंथ की हमारी राफ्टर की लेंथ रहती है 6 मीटर, और ग्रीडर की लेंथ रहती है हमारी 8 मीटर। और ग्रीडर के लिए ये हमारी 8 मीटर रहती है। तो पहले तो आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिकल रूफ्स, तो कोनिकल रूफ्स जो होती हैं वो दो टाइप से बनती हैं। एक तो सेल्फ सपोर्टेड का मतलब उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, नो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। रूफ लोडेड विथ सपोर्टेड ऑन द सेल वॉल, जो आपकी ये वॉल रहेगी, टैंकी की जो साइड वाली वॉल रहती है, सेल की जो वॉल बनाते हैं, वो ही आपका क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो कोई भी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो डाया रहना चाहिए, टैंक का जो डाया रहना चाहिए, वो 8 मीटर तक ही रहना चाहिए, तभी हम सेल्फ सपोर्टेड रूफ़ का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी होती स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। ओनली सिंगल कॉलम रिक्वायर्ड अप टू 12 मीटर डायमीटर ऑफ द टैंक। अगर एक सिंगल कॉलम ही लगा देंगे तो अगर 12 मीटर तक का डाया तो सिंगल कॉलम रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन 12 मीटर से ज़्यादा का अगर रहेगा डाया तो उसके साथ में हम बहुत सारे कॉलम्स, राफ्टर और ग्रीडर हमें चाहिए होंगे। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, थिकनेस भी मैं बता चुका हूँ। और एक बार आपको बता दें कि ग्रीडर्स, देखो ग्रीडर्स क्या होते हैं, ग्रीडर्स के साइज होते हैं। ग्रीडर क्या करता है, राउंडनेस को बरकरार रखता है। तो ग्रीडर के लिए आप लोग चैनल पर जाके मोलासिस टैंक की वीडियो देखिए, और उसमें आपको ग्रीडर भी पता लगेंगे, शेल भी पता लगेगी कि वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है मोलासिस टैंक, और उसके ऊपर की जो कोनिकल रूफ़ है वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 65x65x6 mm का ग्रीडर लगेगा अगर टैंक का डायमीटर हमारा 12 मीटर तक है, ठीक है। अगर उससे डायमीटर ज़्यादा रहेगा 12 मीटर से और 20 मीटर तक रहेगा तो हम थिकनेस बढ़ा देंगे 65x65, और थिकनेस हमारी 8 mm हो जाएगी। लेकिन जब 20 मीटर से ज़्यादा का डाया रखेंगे तो हम ग्रीडर हमारा जो लगेगा 75x75x10 का हमारा ग्रीडर लगेगा, ठीक है। अब रही बात पॉलीगन्स की, तो पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन का मतलब होता है कि बीच में पेंटागन लगा दिया जाता है, वो पॉलीगन होता है, ठीक है। तो अगर एक हम पॉलीगन लगा रहे हैं तो पेंटागन में लगाएंगे, अगर हमें दूसरा पॉलीगन लगाना पड़ा तो हम डेकागॉन में लगाएंगे। डेका मतलब 10 साइड्स होंगी, इसमें 10 ग्रीडर लगे हुए होंगे। तो पेंटागॉन और डेकागॉन अभी आपको दिखाते हैं कैसे रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, देखिए ये है पेंटागॉन, 5 साइड हैं, पेंटागॉन हो गया, और इधर लगा देंगे 10 साइड हैं जिसमें होंगी, वो डेकागॉन हो जाएगा। देखिए जो स्लोप ऑफ रूफ जो नॉर्मली वेरीज करती है फ्रॉम 1 to 5 एंड 1 to 6, इसका मतलब क्या है कि अभी हम आपको दिखाते हैं। 1 to 5 का मतलब टेन थीटा की वैल्यू है 1/5 और 1/6। तो देखिए ये रूफ हो गई, ये 1 मान लो, ये 6 मान लो, ठीक है। तो टेन थीटा लगाएंगे 1/6 या 1/5, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी, थीटा की वैल्यू 9.4 से लेकर 11.5 तक, ठीक। अब इस थीटा की वैल्यू को यूज करते हैं थिकनेस निकालने के लिए, बट क्या होता है, इसको यूज करने पे जो हमारी थिकनेस आती है
वो लगभग 40 mm के आसपास या भी 25-30 mm के आसपास रहती है। बट हम क्या करते हैं कि इतनी मोटी प्लेट यहाँ पर नहीं लगाते, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, तो जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा बहुत हैवी रहेगा। तो क्या करते हैं, अब देखिए आगे, व्हेन कॉनिकल रूफ इज यूज विद स्ट्रक्चर सपोर्ट, जब हम स्ट्रक्चर सपोर्ट में यूज करते हैं, द स्लोप ऑफ द कॉनिकल रूफ रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड रहता है, स्लोप कितना रहता है, 1:16, मतलब 3:48 का मतलब 1:16। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास 3.576, ये जो रहेगा 3.576 के आसपास आपका थीटा आ जाएगा। ठीक, तो ये थीटा निकालने का तरीका है, अगर आपको ये दिया हुआ है 1:52 to 1:6, तो आप थीटा ऐसे निकाल सकते हैं कि ये स्लोप कितना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये टैंक की वॉल्व हो गई, ये सेंटर हो गया। ठीक, ये सेंटर कॉलम लगेगा यहाँ पे, सेंटर कॉलम। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन, अब स्टार्ट होती है आपकी कैलकुलेशन। तो देखिए, थिकनेस ऑफ कॉनिकल रूफ हमने मान ली कि 5 mm, ऊपर की 5 mm हमने थिकनेस ले ली, और प्रेसिस जो प्रेशर लगेगा उस पर, एक तो डेड लोड लगेगा, एक लाइव लोड लगेगा। तो डेड लोड जो होता है उसका खुद का वेट, जो प्लेट का खुद का वेट क्या होता है, डेड लोड डेड होता है। और लाइव लोड क्या होता है कि मान लो कोई उसमें मेंटेनेंस के लिए कोई वर्कर चढ़ रहा है, या मान लो स्नो हो रही है, तो वो लाइव लोड होता है। तो देखिए ये लगभग गिविन है कि डेड लोड हमारा 40 kg/cm² रहता है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं T×ρ×g×gc, इनकी इसकी वैल्यू 1 होती है, और 125 हमारा लाइव लोड हमने एज्यूम कर लिया है, इसमें गिविन है। मान लो नहीं गिविन है तो आपको इसको लेना ही लेना है, इसको आपको 40 लेना है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारी डेंसिटी हो गई 7800 और गुणा 1 और प्लस 25, 125 kg/cm², 164 kg/m² हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे कि 165 kg/m² हो गया, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए जो प्रेशर होगा डेड लोड और लाइव लोड से, वो हमारा 165, ठीक है, kg/cm² ले लेंगे। तो देखिए जो साइज ऑफ टॉप एंगल, जिसे बोलते हैं आपका पेरिफेरल रिंग, या मतलब साइड से जो ग्रिडर रहेगा, जो ग्रेडर रहेगा उसका जो साइज रहेगा आउटर से रखता है। तो देखिए हमने अज्यूम किया कि ग्रेटर देन 20 मीटर, मतलब 30 मीटर है, जब डाया 30 मीटर है तो हमारे पास में जो ग्रेडर लगेगा 75 × 75 × 10 mm का। ठीक है, या बोल ये पेरीफेरल रिंग चारों तरफ लगती है। अब इसके बाद में अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, पहले निकालेंगे राफ्टर की स्पेसिंग। ठीक, अब पहले आपको फिगर दिखा दें कि क्या क्या होता है। देखिए ये फिगर है, तो ये बीच में आपकी कोन हो गई, ठीक है, ये कॉनिकल रूफ है, तो बीच में एक ये देखिए, एक ये सेंटर कॉलम ये हो जाएगा, बाकी ये पेंटागॉन हो गया। ठीक है, ये पेंटागॉन हो गया, एक लगा है, तो अब दो लगाएंगे तो इधर डेका दस 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 वाला लगाएंगे, डेकागॉन, क्योंकि डाया ज़्यादा है तो इसीलिए डेकागॉन लगाना पड़ेगा। इसके बाद में ये जो लगे हुए हैं पेंटागॉन के चारों तरफ राउंडनेस को बरकरार करने के लिए, ठीक है, ऐसे करके जो प्लेट लगेगी, तो ये हमारी हो गई ग्रीडर्स। ठीक है, ग्रीडर हो गए, और ये जो लगे हुए हैं ये राफ्टर हो गए, ये इनसाइड राफ्टर हो गए, ये आउटसाइड राफ्टर हो गए। ठीक है, ये पॉलीगन हो गया, तो ये समझ में आ गया। तो पहले निकालेंगे राफ्टर की स्पेसिंग, तो राफ्टर स्पेसिंग L/T√2×F/P हो जाएगा, तो हम सेंटीमीटर में सब रखेंगे क्योंकि ये हमें गिविन सेंटीमीटर में है। तो देखिए ये एफ जो है हमारा अलाउबल स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये हमारा 1250 kg/cm² है, और टू में ये है, और इसको हमने टी को पॉइंट ये 5 mm है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 165 ये प्रेशर है kg/cm², तो हमारे पास में 1.9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो स्पेसिंग कितनी रहेगी दो राफ्टर के बीच में, 1.94। तो देखिए ये राफ्टर के बीच की स्पेसिंग रहेगी, इस राफ्टर के बीच की स्पेसिंग 1.94, ये हम के इस दोनों के ये राफ्टर हैं, इनके बीच का स्पेस रहेगा। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ राफ्टर रिक्वायर्ड, राफ्टर रिक्वायर्ड कितने होंगे, π×d/L स्पेसिंग हो गई, तो हमारे पास में पाई हमारा दिवन गिवन हुआ, डाया हमारा 30 मीटर है, और ये मीटर में तो हमारे पास 48.5 है। बट जो राफ्टर हमारे होते हैं मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, तो राफ्टर आर्ट्स मल्टीपल ऑफ 5,
ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ राफ्टर हम 5 के मल्टीपल में लेंगे तो 50 आ जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे एक्चुअल, हमें अब एक्चुअल राफ्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम राफ्टर हमारे 50 आ गए, तो एल डैश बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी डिवाइड बाई एन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1.88 मीटर हो जाएगी, तो एक्चुअल ये हम स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो क्या है, लेट आर द रेडियस ऑफ द सर्किल मेड बाय द पेंटागॉन कोन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें पेंटागॉन ये जो लगाना है उसकी डिस्टेंस क्या है। तो देखिए, तो इसका जो रहेगा आर बराबर डी अपॉन 4 रहेगा, तो 7.5 मीटर लग, ठीक है, रेडियस रहेगी। एक पहला जो लगाएंगे पॉलीगन वो हमारा क्या रहेगा, और 7.5 मीटर का रहेगा। ये पॉइंट जो है वो देखिए, ये आपका ये जो पेंटागॉन, इसके जो पॉइंट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इससे हम एक सर्किल बनाते हैं। तो ये जो सर्किल बनाएंगे तो इसकी रेडियस रहेगी आर, तो हम देखते हैं रेडियस आर रहेगी। तो ये आर है, ये थीटा है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सबकी डिस्टेंस, पेंटागॉन की सबकी डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो ये L/2 कर दो, L/2 कर दो, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए ये साइन थीटा बराबर होता है L/2 अपन आर होगा, तो L बराबर हो जाएगा 2R अपन साइन थीटा। ये तो इसकी कैलकुलेशन है, ये आया कहाँ से, लेकिन डायरेक्ट आप लगा सकते हैं L/2 sin 2R sin थीटा, ठीक है। तो देखिए 2 × R sin थीटा की वैल्यू जाएगी 360/2 × N, ठीक है। तो N हमारे हैं नंबर ऑफ, मतलब पॉलीगन की जो साइड्स हो गई, ठीक है, वो हमारे N हो गए। तो देखिए 2 × 7.5 × sin 360 × 2 × 5, ये साइड्स हो गई 5, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागॉन की, ठीक है। तो L बराबर हमारा हो जाएगा 8.8 मीटर। तो लेंथ ऑफ ग्रीडर कितनी हो जाएगी, 8.8 मीटर, जो ये ग्रीडर रहेगा, ये ग्रीडर रहते हैं ये, ठीक है। अब निकालेंगे राफ्टर स्पेसिंग, अब राफ्टर की स्पेसिंग क्या रहेगी ऑन ग्रीडर, ग्रीडर के ऊपर। तो एक्स बराबर हो जाएगा एल अपॉन स्मॉल एन अपॉन ये एन, ठीक है, ये पॉलीगन की साइड्स हो गई, एल हमारा गिवन है, और ये 50 हमारा क्या है, नंबर ऑफ राफ्टर्स हमने निकाले थे, और डिवाइड बाई 5 हमारी साइड्स हो गई, तो 0.88 मीटर। तो जो राफ्टर स्पेसिंग रहेगी ग्रीडर पे, ये जो ग्रीडर है हमारा, ये जो ग्रीडर है इसके ऊपर राफ्टर लगे हुए हैं। देखिए ये ग्रीडर है, ये ब्लैक कलर में क्या है, राफ्टर लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए ये राफ्टर लगे हुए हैं ग्रीडर पे, तो ये जो है ना, ये ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हमारी 0.882 मीटर के मीटर रहेगी, ठीक है। लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो 1.8 मीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ये बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए निकालेंगे मैक्सिमम राफ्टर रिक्वायर्ड बिटवीन पॉलीगन पेंटागॉन एंड सेंट्रल कॉलम, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर मैक्स बराबर एन अपॉन एल इंटू एल, तो एन हमारे 5 है साइड्स ग्रीडर के, और ये हमारी लेंथ ऑफ गिवन है हमें राफ्टर की, सॉरी ग्रीडर की, ग्रीडर की लेंथ हो गई, और ये एल हमने निकाल रखा है स्पेसिंग, तो हमारे पास 22.73 लगभग, इसको मैक्सिमम हम 23। तो इसका मतलब है जो पेंटागॉन्स के बीच में हमें चाहिए हैं राफ्टर, वो मैक्सिमम 23 चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। जो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉलीगन्स ऑफ ग्रीडर रिक्वायर्ड रहेंगे वो 2 रहेंगे, एक पेंटागॉन हो गया एक डेकागॉन हो गया, क्योंकि 30 मीटर डाया हुआ। नंबर ऑफ राफ्टर हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ ग्रीडर्स हमारे 16 रहेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे 16 रहेंगे, ये हम दिखाते हैं कैसे रहेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागॉन में 5 हो गए ग्रीडर, ठीक है, और यहाँ पे डेकागॉन लगाएंगे तो 5, और इधर 10 हो जाएंगे, तो 5 और 10 15 ग्रीडर रहेंगे, सॉरी ग्रीडर जो हमारे रहेंगे 15 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पॉलीगन्स, एक ये इधर लग गया, अब 5 के बाद 10 में 10 लगाते हैं डेकागॉन, ठीक है, तो पॉलीगन 2 हो गए। अब इसके बाद में हम कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 10 कॉलम आगे के रहेंगे, 15 और एक बीच का सेंटर कॉलम, तो हमारे कॉलम कितने हो जाएंगे 16। समझ में आ गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करें और वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो जो निकालने को वाला वही निकालें,
बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने आपको एज अ नॉलेज के लिए बताई हैं।